students, today we will continue our Urdu workbook page number 46. उसमें हमें कहा गया है कि हमने अगर कहीं भी जाते हैं, हम कहीं रेलवे स्टेशन जाते हैं, किसी पार्क जाते हैं, स्कूल कैंटीन पे जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आवाम जमा होती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर लिखी हुई होती है कि हमें, यानी उनके असूल होते हैं हर जगह के, तो हमने वो बताने हैं कि क्या क्या चीज़ लिखी होती है, हमने एक बोर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल तैयार करना है. ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं, हम रेलवे स्टेशन गए हैं तो वहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स मैंशन होते हैं. एक लिखा हुआ होता है कि अजनबी से कुछ ना लें, फिर होता है अपने सामान की खुद हिफाजत करें, टिकट खरीदें, सफाई का ख्याल रखें. यानी ये पॉइंट्स खास तौर पे रेलवे स्टेशन पर लिखे हुए होते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर हम लाइब्रेरी जाते हैं तो उसके भी कुछ असूल होते हैं, जैसे कि खामोशी इख्तियार करें, किताबों को उनकी जगह पर रखें, बुलंद आवाज़ से ना पढ़ें, सफाई का ख्याल रखें. सफाई का तो हर जगह पर तकरीबन यही कहा जाता है. ठीक है, जिनको नहीं पता होते ये रूल्स, उनके लिए खास तौर पर ये रूल्स जानना बहुत ज़रूरी होते हैं. उसके बाद अगर हम किसी पार्क में जाते हैं तब भी लिखा हुआ होता है सफाई का ख्याल रखें, हर जगह पे डस्टबिन मौजूद होती हैं. इसी तरह वहाँ ये भी लिखा हुआ होता है बोर्ड पे कि अजनबी से कोई चीज़ ना लें, कोई चीज़ बच्चों को लेके नहीं खानी चाहिए. फिर होता है कि फूल ना तोड़ें, बड़ों के साथ जाएँ यानी अकेले ना जाएँ, किसी के साथ, किसी गाय के साथ नहीं जाना चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी स्कूल कैंटीन पर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है अपनी बारी का इंतज़ार करें, सफाई का ख्याल रखें, मायारी चीज़ें खाएं, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें. यानी काफ़ी रश होता है वहाँ पर, तो इसीलिए और चीज़ें भी वहाँ पर अच्छी चीज़ें लेके खानी चाहिए और सफाई का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए. इसी तरह अगर हम कहीं बैंक जाते हैं बिल जमा करवाने के लिए तो वहाँ पर भी कितारें लगी हुई होती हैं, लाइनें लगी हुई होती हैं, तो वहाँ पे भी लिखा होता है कि तहम्मुल से काम लें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें, सिगरेट नोशी मना है. इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, तो आप लोगों ने ये अच्छे से याद कर लेने हैं. थैंक यू.